लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गई है। आज पानीपत पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री व सरकार के सभी मंत्री अपने आप को चौकीदार कहने लगे हैं, लेकिन प्रदेश में इन चौकीदारों के होते हुए भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नवीन जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार है। नवीन जैन ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता से किए गए वादे के अनुरूप कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी सभी 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नवीन जैन ने कहा कि प्रदेश के नेता अपने आप को चौकीदार कहते हैं, लेकिन असल में चौकीदार का वेतन तक नहीं दे पा रही बीजेपी सरकार। जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहा है और जिस तरह प्रोपगंडा बीजेपी का चल रहा है, तो बीजेपी से भारत बचाने की हम मुहिम चला रहे हैं और जिस तरह ये कैंपेन चला रहे हैं, अभी चौकीदार कैंपेन चला रहे हैं, तो हम जनता को ये बताना चाहते हैं चोर बने हैं चौकीदार, सब हो जाओ समझदार। अब चौकीदारों का मुकाबला यहाँ बेरोजगार करें। ये जितने चौकीदार बीजेपी के बने हुए हैं और जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके सामने आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर, दिल्ली में जो काम हुए हैं, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, उसके ऊपर लोगों को ध्यान आकर्षित करेगी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी का जो 2014 का मैनिफेस्टो है उसको लेके जाएंगे हम लोगों के बीच में, कि जो पिछली बार इन्होंने अपनी घोषणाएं की थी वो भी पूरी नहीं करी। 15 लाख रुपये की थे भाई, 2 करोड़ रोजगार की थे, रोजगार बेरोजगार धक्के खाते हैं, डल्ला गिरे हैं। तो इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं चोर बने हैं चौकीदार, जनता हो जाए समझदार, और अब चौकीदारों का मुकाबला बेरोजगारों से होगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट।